कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि आपको एक बार सुनते हैं आप तो आपके दिल में जहन में उतर जाते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप बार बार भी सुन ले लेकिन फिर भी वो आपको छू नहीं पाते हैं, आपकी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों ना है, अगर सॉन्ग की बात करूं तो तेजस्वी के इस गाने में कुछ खास चीजें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको लेकर कहना चाहूंगा कि ऐसा काम मत करो। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने चैनल यानी कि टेली खजाना में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, किस बात का इंतजार कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता, दन दनादन फॉलो जरूर करें। क्यों ना आए वो सॉन्ग है जिसे तेजस्वी तक प्रमोट नहीं करना चाहती है। तेजस्वी भी अपने अपकमिंग सॉन्ग, मतलब टेक्निकली देखा जाए बिग बॉस के पहले सॉन्ग को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है, विच इज रुला देती है। रुला देती है कि अगर बात करें तो आज उसका एक टीजर रिलीज हुआ, अभी 2 दिन पहले उसका एक पोस्टर रिलीज हुआ था। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों ना आए ये वो गाना है जब तेजस्वी ना बिग बॉस में थी ना ही तेजस्वी के पास इतनी पॉपुलैरिटी थी। आपको बता दूं, तेजस्वी इज अ स्ट्रॉन्ग कलाकार, ये बात हम जानते हैं। इस गाने में उसकी एक्टिंग देखकर हमको सब समझ में आता है, लेकिन ये गाना उससे पहले का है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो डब्बा बंद हो जाते हैं, राइट, रिलीज नहीं होते हैं, फिनेंसर्स नहीं मिलते हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन तेजस्वी जो सक्सेस पाई है बिग बॉस के बाद, नागिन बन के जिस तरीके से वो लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं, उसी चीज को भुनाने के लिए, तेजस्वी के फेम को भुनाने के लिए क्यों ना आए रिलीज कर दिया गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये गाना सचमुच में इतना ही ज्यादा अभी रिलीज बना होता तो, और ये गाना पुराना नहीं होता, तो तेजस्वी वो साफ डिफरेंस पता चल रहा है। अभी तेजस्वी का एकदम चीक बोन, फ्लैट फेस, एकदम है ना, बहुत ही ज्यादा चिसल्ड फेस दिखता है। और यहाँ पर वो चबी चबी सी जो दिखती हैं जब वो बिग बॉस में पहले दिन आई थी, उससे भी पहले की जब इंटरव्यूज हैं तेजस्वी के, और जो तेजस्वी मौजूद थी हमें वो दिखाई दे रही हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी की सक्सेस पर इस तरीके से दाव मत लगाइए। आप उसके साथ नया गाना कर लो, या फिर जब वो बिग बॉस में गई थी तब ये गाना रिलीज कर देते। अभी क्यों? जस्ट बिकॉज तेजू की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए। खैर कोई नहीं, तेजस्वी का भी उसमें भलाई हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा मैं कि आप गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, तेजस्वी फैंस, करण फैंस, तेजन फैंस, और इस गाने को भी सुपर डुपर हिट बनाइए जितना आप एक टीजर को बना रहे हैं यानी कि रुला देती है को बना रहे हैं। चलता हूं, बाय बाय।